नमस्कार बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। दरभंगा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बता दें कि दरभंगा में जो पूर्व MLC थे स्वर्गीय डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी, उनके संस्कार कार्यक्रम में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसे लेकर देखिए दरभंगा लहरिया सराय टावर पर पुलिस की पूरी व्यवस्था है और इसी रास्ते से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे और वो इस रास्ते से होते हुए बलभद्रपुर अवश्य उनके आवास पर जाएंगे। हम बता दें कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहा जाता है कि एक पारिवारिक संबंध था विनोद चौधरी के जो पिता थे स्वर्गीय उमाकांत चौधरी, उनके और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों मित्र रहा करते थे। इसीलिए पहले से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बलभद्रपुर स्थित उनके आवास पर आया जा करते थे। तो आज भी देखिए कि किस तरह पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की गई है और इसी रास्ते से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँचेंगे जो बलभद्रपुर स्थित विनोद चौधरी का जो संस्कार है उनके यहाँ पर, और वहाँ उनके छोटे भाई जो कि बेनीपुर के विधायक हैं आज विनय कुमार चौधरी, वो भी वहाँ रहेंगे। तो देखिए पूरे कार्यक्रम का हम आपको दिखाएंगे किस तरह मुख्यमंत्री पहुँचते हैं, क्या है यहाँ सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था, किधर से आएंगे और किस तरह की व्यवस्था है, कैसे आएंगे वो समस्तीपुर रूट से आ रहे हैं, बाई रूट? अच्छा नहीं, बाई रूट नहीं आ रहे, वो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। उनका पोलो मैदान स्टेडियम है, वहाँ पर लैंड करेंगे, उसके बाद वो सड़क मार्ग के द्वारा न्यू बलभद्रपुर होते गए। तो देखिए ये पोलो मैदान और फिर वो सीधा बलभद्रपुर जाएंगे। देखिए पूरे कार्यक्रम को हम आपको दिखाते हैं। हालांकि हमारा तो माँ बाबू के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध था और उमा बाबू के साथ विनोद जी और अजय जी रहा करते थे बहुत अच्छे ढंग से, और आज मैं फिर एक बार दुखी हो गया हूँ उमा बाबू के जल्दी चले जाने पर। और उन्होंने कहा कि विनोद जी से ही मेरा आत्मीय संबंध रहा है। मैं एकाएक जो उनकी खबर सुना तो मैं स्तब्ध रह गया और बहुत ही मर्माहत होकर के कहे कि नहीं, मेरा व्यक्तिगत क्षति है और मेरा ये परिवार है, यहाँ पर किसी भी तरह के दुख से मैं मर्माहत हो जाता हूँ। प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी जी का देहांत हो गया था, अरे शांति रखिए, उसी के शोक व्यक्त करने के लिए वो आए थे। हम लोगों का मुख्यमंत्री जी से पारिवारिक संबंध लंबे समय से संबंध है। हमारे पिताजी के साथ उनका एक अपना व्यक्तिगत संबंध रहा और वो संबंध है, लगता है कि वो अपने बड़े भाई को भी जितना इज्जत करते हैं उससे थोड़ा भी कम हमारे पिताजी को इज्जत नहीं करते। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे परिवार के प्रति जितना संवेदनशील है, शायद कोई राजनेता तो कम से कम नहीं रहता है कि किसी के अपने सहयोगी के जाने के बाद भी वो संबंध का निर्माण करते हैं। जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया उसके बाद भी, मेरे माता के भी देहांत के बाद वो आए थे शोक व्यक्त करने के लिए। आज मेरे बड़े भाई का भी देहांत हो गया है तो वो शोक व्यक्त करने आए थे और वो शोक व्यक्त करके गए हैं। पहले हमारे बड़े भाई के आवास पर वो गए, वहाँ पर सुखी प्रारंभिक परिवार से मिले, फिर आकर के वो हम लोगों के जो यहाँ पर उनका ये आवास था एक ज़माने में मुख्यमंत्री बनने से पहले, जब बिहार में जब वो संघर्ष किया करते थे तो उनका ये आवास रहता था। और वो आते ही कहे कि वो तो पीछे का आवास पर मैं रहता था, उन्होंने इच्छा व्यक्त करी कि चलिए थोड़ा पीछे के आवास में मैं एक बार वो आता हूँ, और वो आए यहाँ पर। फिर हम लोगों के साथ थोड़ा देर समय व्यतीत किए और बाबू जी के साथ जो स्मरण था उस स्मरण की चर्चा उन्होंने की, किस तरह से 94 में वो संघर्ष किया करते थे, इन सब बातों की वो आए पुनरावृत्ति फिर से किए हैं। और बहुत ही बाबू जी की चर्चा याद करते हुए बहुत ही दुखी हुए। किस तरह का भावुक शब्द बोले और किस तरह से भावुक हुए यहाँ आने के बाद? उन्होंने यही कहा कि हमारा तो माँ बाबू के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध था और उमा बाबू के साथ विनोद जी और अजय जी रहा करते थे बहुत अच्छे ढंग से। और आज मैं फिर एक बार दुखी हो गया हूँ उमा बाबू के जल्दी चले जाने पर, और उन्होंने कहा कि विनोद जी से ही मेरा आत्मीय संबंध रहा है।
मैं एकाएक जो उनकी खबर सुना तो मैं स्तब्ध रह गया और बहुत ही मर्माहत होकर के क्योंकि मेरा व्यक्तिगत क्षति है और मेरा ये परिवार है, यहाँ पर किसी भी तरह के दुख से मैं मर्माहत हो रहा हूँ। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं ट्वेल्थ के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।